तो एक दुखद खबर है, एक 35 साल के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। घर में ही गांव के कुछ लोग हमला कर देते हैं और उस हमले में उनकी माताजी को भी चोट लग जाती है। देख सकते हैं उनके भी दोनों हाथों पर पट्टियां बंधी है और साथ में एक और व्यक्ति था, बुजुर्ग थे, उनको भी चंडीगढ़ रेफर किया गया है। हमले में 3 लोगों को चोट आई है, जिसमें से एक माताजी है, सुनील की माता है, उनको चोट आई है और सुनील की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। पूरी बात क्या है उनकी माताजी से पूछते हैं। हुआ था पूरा वाक्य क्या है जी? आप तो बताया था जे मकान के ऊपर बात थी या सारी सुनील की गेलो को यो नहीं था। मैं मकान मालिक को तो कहा भाई ये मकान खाली करवा दे, उसके घरवाली तो जी रात ने भी आदमी आ करा थे 5-7 दिन में भी। ये लड़का कोई दिहाड़ी मेहनत नहीं करा करा था, ये गलत काम हो करा था वहाँ। गाँव के लड़के? हाँ गाँव के ही हाँ जी। और बस ये गंजे पंजे नशे कर करा था, दिन रात नशे कर करा था ये लड़का जो से ना मारा। मना मकान मालिक होता कल भी कहा जाका मेरा नाश होवेगा, 4-5 बार कहा। उसका लड़का आया, उसके लड़के ने रात सुनाई करी, वो भी छोड़ कर चले गया। मैंने कहा भाई मकान खाली करवा दो, मारा मेरा नाश होवेगा। उसकी माँ थी वह भी आकर चली गई, उन्होंने अपने किराए के लालच में यूँ बैठा रखा था। तो कितने लड़के थे जिन्होंने हमला किया जी? पालो कल आया, फिर 4-5 आए, जितने नशे कर कर थे आगे उसके दौरान लड़कियों की कोई कमी नहीं आ। घर में घुस के मारा? हाँ नहीं, बाहर लेकर नहीं मारा मेरे घर। आपके बेटे को? हाँ वो चक्कू भी मारे, लठ भी मारे, मेरा बेटा खाली हाथ होता। आपके भी चोट लगी है? अम्मी छठ वहाँ थी, मेरे मैंने अपना बेटा नहीं मरता देखा जा गया। मेरा पोता तो भाग लिया दूर होकर, मेरा पोता तो चलान लग गया, मेरे पापा माँ ना बचा लो, मेरे पापा ना बचा लो। और फिर नू बोला आप बुढ़िया एक अन्य हो जा, नहीं तो ना बीच में तो पाड़ूंगा चक्कू गलो में दरेटी होगी। एक और को भी चोट लगी? चोट नहीं, चक्कू गलो पाड़ रखा सारा वो भी। हाँ हाँ। उनका क्या नाम है? राजेंद्र। मेरा बेटा रो कट्ठे ही बैठे थे, वही छटवान आया था। तो फिलहाल देख सकते हैं कि परिवार के लोग हैं और माताजी को भी चोटें आई हैं, दोनों हाथों पर चोटें आई हैं और एक और व्यक्ति है जिसको चोट आई है, उनको चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है बीच बचाव के लिए। वो भी आए थे, उनको भी चोटें आई हैं चक्कुओं से, उनके ऊपर भी वार किए गए हैं। और आपको बता दें कि सुनील के ऊपर हमला करने वाले गांव के ही पड़ोस के ही कुछ लोग थे जो कि किराए पर रहते थे, रेंट पर रहते थे और बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ नशा वगैरह किया करते थे। और सुनील ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके साथ द्वेष बढ़ा और इसके बाद उनकी इस तरह से मौत हो गई, उनके ऊपर हमला कर दिया गया। ये तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर है सुनील की जिसके ऊपर रात हमला किया गया और मौके पर ही सुनील की बताया जा रहा है कि मौत हो गई थी। और साथ में एक और व्यक्ति था जिनको चोट आई है और सुनील की माता जब बीच बचाव करने के लिए आती है तो उनके ऊपर भी हमला कर दिया गया था, उनके ऊपर भी हमला किया और उनको भी चोटें आई हैं। और फिलहाल देख सकते हैं परिवार इस समय पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा है, सब का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर